आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कलेक्ट्रेट स्थित उप संचालक चकबंदी कोर्ट में मंगलवार को देर शाम 17 नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को प्रमाण पत्र का किया गया वितरण। नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों ने कहा, गाँव का विकास करना ही होगी पहली प्राथमिकता। कलेक्ट्रेट स्थित नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य के प्रमाण पत्र वितरण स्थल का एसएसपी ने किया निरीक्षण। ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दो मई से शुरू हुए पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद मंगलवार को घोषित हुए सभी रिजल्ट। डीपीआरओ ने सभी विजय प्रत्याशियों को दी बधाई, कहा मिलजुल कर करेंगे काम, जिले का करेंगे विकास। शासन के निर्देश पर लगाया गया दो दिवसीय आंशिक कर्फ्यू का महानगर में देखने को मिला आंशिक असर। एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, दवा किराना सब्जियां फल की दुकानों को खोलने की है छूट, शेष दुकानें रहेंगी बंद, बिना कारण घर से बाहर निकलने पर की जाएगी कार्यवाही। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 1189 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 4 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 45,409। अब तक 485 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 9,252 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। शासन के निर्देश पर लगाया गया आंशिक कर्फ्यू का पुलिस करा रही कड़ाई से पालन। एसपीसीटी ने कहा, जनता करे आंशिक कर्फ्यू का पालन, जिससे लग सके कोरोना संक्रमण पर लगाम। कोरोना काल में बढ़ा मिट्टी के मटकों और सुराही का डिमांड, ठंडा पानी पीने के लिए लोग ले जा रहे हैं मटके और सुराही। सैनिटाइजेशन अभियान के तहत नगर निगम ने कराया रेलवे स्टेशन परिसर को सैनिटाइज, जिससे लग सके कोरोना संक्रमण पर लगाम। जनपद में जिला अस्पताल सहित सभी केंद्रों पर 18 साल से ऊपर के नागरिकों का किया गया कोविड वैक्सीनेशन। 45 साल के ऊपर के 4,218 और 18 साल के ऊपर के 1,882 लोगों को लगी वैक्सीन। नागरिकों ने कहा, नहीं हुई कोई दिक्कत, अपनी सुरक्षा के दृष्टिगत जरूर कराएं वैक्सीनेशन। विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को गोलघर स्थित काली मंदिर के समक्ष किया हवन पूजन। कोरोना के खात्मे के लिए मांगी मां काली से मन्नत। और कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के दृष्टिगत लगाया गया आंशिक कर्फ्यू का रात्रि में भी कराया गया पालन। सीओ कैंट ने कहा, जनता का मिल रहा है कर्फ्यू में पूरा सहयोग।